हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चने की दाल की कढ़ी। इसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी चने की दाल को ओवरनाइट के लिए सोप कर दिया। आप 3-4 घंटे इसको भिगो सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 8-10 दाना काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा, थोड़ी सी हल्दी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरा मिर्च डाल दिया है। ये भीगी रहेगी तभी आप बना सकते हैं। इसको भिगो दें। यहाँ मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, एक हरा मिर्चा, टमाटर, हींग और नमक। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने जार लिया है, मिक्सर जार लिया है। इसमें दाल को डालेंगे, थोड़े से मसाले जो थे उसको डालेंगे और इसको एक पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अभी इसमें से थोड़ा सा पेस्ट निकाल लेंगे जिसे हम कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाएंगे और थोड़ा सा कढ़ी के लिए रख लेंगे। अब इसी पेस्ट में हम डालेंगे 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च। इसको डाल के हम फिर पीस लेंगे। देखिए हमने इसको फिर से पीस लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ हम निकाले थे थोड़े से मसाले, ये आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला। यही मसाला हमें इसमें डालने के लिए चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ी बनाएंगे। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, हींग। पकौड़ी वाला बैटर मैंने अलग रख लिया था। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो और उसके बाद हरी मिर्च कटी हुई डाल लेंगे, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, तेल मेरा गर्म हो चुका है। चलिए फटाफट से हम तल लेते हैं पकौड़ियाँ कढ़ी में डालने के लिए। फ्रेंड्स, कभी आपका दाल बनाने का मन, दाल और सब्ज़ी दोनों चीज़ बनाने का मन नहीं है, या आपके पास सब्ज़ी नहीं अवेलेबल है, तो आप इस कढ़ी को बना के एक बार ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनती है और दाल सब्ज़ी दोनों का काम करती है। देखिए यहाँ पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई। आप इन पकौड़ियों को चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये बेसन की पकौड़ी से बहुत टेस्टी लगती हैं। दाल पीस के बनाने पर आप इसको नाश्ते में स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो इसी कढ़ाई में मेरा तेल बचा हुआ है, इसी में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधा चम्मच, हींग डालेंगे, एक हरी मिर्च कटी हुई, तेज पत्ता और थोड़ी सी अजवाइन मेथी डाली है, और इसमें डाल देंगे दाल और दाल को भून लेंगे बहुत अच्छे से। आप दाल को जितने अच्छे से भूनेंगे उतनी टेस्टी आपकी कढ़ी बनेगी। यहाँ हमने डाल दिया है आधा चम्मच नमक भी, और इसको मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से भून लेंगे। एक बार बना के आप ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ मैंने एक टमाटर कटा हुआ डाला है, इसको भी अच्छे से इसमें मैश करने तक गला लेंगे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं, टमाटर ऑप्शनल है, कढ़ी में ज़रूरी नहीं है, तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून गई है, मिक्स कर लिया है। जब ये भून जाए तो इसके लम्स बन जाते हैं और यह जब आसानी से मैश नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से मिला लें, नहीं तो इसमें अलग दाल के अलग अलग लम्स रह जाएंगे और कढ़ी आपकी पतली हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ढक दिया है, क्योंकि ये दाल है कच्ची, इसलिए इसको 15 मिनट ढक के पका लिया है और ये अच्छे से पक चुकी है। यहाँ अब हम डाल देंगे पकौड़े और डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। हमारी कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगने वाली है और फटाफट बन भी जाती है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें। देखिए कढ़ी कितनी टेस्टी बन के तैयार हो गई है। इसमें आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, ये थोड़ी गाढ़ी है। आप पतली खाना चाहते हैं तो पतली कर लें। तो एक बार बना के ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। और आप बताइए आपको कौन सी